Hey guys, welcome to Hill Station Super Excited Vlog. So, हम हरिद्वार से थोड़ा सा निकल चुके हैं और हम ऊपर पहाड़ में पहुंच गए हैं. यहीं से हमारी एक्साइटमेंट लेवल स्टार्ट होती है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं धनौल्टी, जो कि एक हिल स्टेशन है जो पड़ता है गढ़वाल हिमालयन रेंज पे. और इसका जो एल्टीट्यूड है, यानी जो सी लेवल से ये कितना ऊपर है, सो इट इज़ अप्रॉक्स 2,286 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. ये मसूरी से आपको 60 किलोमीटर पे पड़ जाएगा. यहाँ अगर आपको घूमना है प्रॉपर हर एक जगह, तो आपको कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही, पर हम एक ही दिन में वापस जा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस. एंड धनौल्टी जो है, वहाँ पर बहुत सारी घूमने वाली जगह है, जैसे कि इको पार्क, चंद्रेरी टाउन, सुकंडा देवी टेम्पल, जहाँ पर हमारा कुछ ऐसा है आइडिया कि हम जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ ना हुई और हमारी गाड़ी स्लिप ना हुई, बिकॉज स्लिप भी होती है गाड़ी, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे. और यहाँ पहाड़ों पर घर बनाना कितना ही मुश्किल वाला काम होता होगा ना. एक बार बोलो रोक दो, बहुत रोक दो, बहुत तेज प्रेशर है. ये देखो, आज तुम्हें तड़ पाएगी. और हमें यहीं से ना बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं. आप लोग भी देख सकते हो दूर पे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर, इतना प्रिटी लग रहा था. और अब हमें लग रहा था बस अब तो हम जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाएं, हमें वहीं पर जाना है जहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है. और यहीं से ही स्टार्ट हो गया था चिल्लाना बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, क्योंकि हम जितना टाइम भी वहाँ पर रहे थे ना, उतने टाइम ही वहाँ पे स्नोफॉल रेगुलर होता रहा था. सो आप भी रेडी हो जाइए फुल सुपर एक्साइटेड. हम सारे सुपर एक्साइटेड हो गए थे, आपको हमारी एक्साइटमेंट तो दिखी रही होगी. हम बस चिल्ला रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हमें कुछ और नहीं पता था, बस पता नहीं कुछ ना कुछ करे जा रहे थे. चलो हो गया. तो अभी हम रास्ते में रुक गए थे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद हम फिर और ऊपर जाएंगे. अभी तो बस स्टार्टिंग ही, और हमारी एक्साइटमेंट लेवल अभी से ऑन हो चुका है. पता नहीं ऊपर जाकर हमारा क्या हल होने वाला है. सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड. तुम्हें चाय नहीं पीनी? साइड हो जाओ भाई, मैंने नहीं पी, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का. ये देखो गाड़ी पे ना बर्फ आ रही है, देखो इतनी सारी बर्फ गिर रही है ऊपर. और क्या है? हाँ, यहाँ के लिए ना अलग शूज, स्पेशल शूज होने चाहिए थे, है ना? आप पीछे पीछे, मैं नहीं आ रहा हूँ. अब ये बंद करो यार, वहाँ पे फोटो फोटो जाओ 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 जाओ. धीरे धीरे चलेगी ना, बर्फ है, स्लिप मार देगी गाड़ी, मतलब भी नहीं. चलो चलो आराम से. ऐसा ना बर्फ जमी रही ना गाड़ी फिर पे. ये हमारे साथी सब देखिएगा कितनी बर्फ देखने आए हैं. और आप इधर देखिएगा, ये बर्फ ही बर्फ है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है.
देखो ये देखिएगा बर्फ के नजारे। हफ्ते समय चलेंगे हफ्ते समय। और ये देखिएगा सब इधर हमारी तरफ देख के सब बाय बाय करो, टाटा करो, हाय हाय करो। ये देखिएगा कितना मजा आ रहा। और एक ये हमारा बेटा राज घर पे रह गया, वो सारा उसने मिस कर दिया। वो कह रहा था कोरोना चल रहा है, सारा ये है वो है। देखिएगा सब कितने खुश है, एक अमन भी परेशान है पता नहीं क्यों। बाकी इसकी अमन की मम्मी को बहुत उल्टी आई है, ये भी थोड़ी सी परेशान है। अरे अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर रहने तो अंदर गीला भी हो जाएगा। वैसे कोई कुछ भी कहे, पर जो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो आपका फर्स्ट टाइम ही होता है और वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। बाकी आप वो चीज़ें दोबारा दोबारा कितनी बार भी एक्सपीरियंस करें, पर जो फर्स्ट टाइम का मज़ा होता है उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम स्नोफॉल है। अपनी शकल क्यों छुपा रखी है, दिखाओ। ये देखो ये है गोभी, पर ये पहाड़ों में बर्फ गोभी। क्या है पापा ये? बर्फ गोभी है, बर्फ गोभी। वाह कितना अच्छा लग रहा है। अरे बुलाओ सनी जी को, बुलाओ। एक तो इनका फोन जो है ना, हाँ भैया साफ कर लो। सोनू भाई तो बैग है अपना सब निकाल लिया। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हाँ क्या चाहिए? चलो ठीक है, मनोरंजन और क्या। आओ कुछ खाने है भाई, परेशानी। आओ चलो, आओ बहुत देर हो गई। आओ चलो, हाउ इज द टेस्ट? फीकी हुई बर्फ जैसा ही है। अरे स्नोफॉल हो रही है तगड़ी। बंद कर दो। हो गई अब पकड़ लो टाइम। पकड़ बंदा।
अरे वहाँ स्नोफॉल, अरे वहाँ स्नोफॉल। कितनी सोलफुल प्लेस है, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर हम आगे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी और अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो हम पीछे भी नहीं जा पाते और यहीं पे हम फंस जाते। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा और इन्जॉय करेंगे, फिर थोड़ा सा हम देखेंगे हमें किसी और जगह जहाँ पर भी जाना होगा, पर आई एम इन्जॉइंग अ लॉट। ये क्यों फूल गया ये पैकेट? यहाँ का प्रेशर क्योंकि कम है। अच्छा। हमारे यहाँ जो इसी वजह से गैस जो है वो एक्सपेंड हो गई और ये अंदर की जो गैस बढ़ी थी तो इसलिए फूल गया। समझ के बच्चों, नहीं नहीं हो जाएगा इतने में, बहुत है पूरी। यार देखना ये कितना मोटा हो रहा है। सबका गैस का फर्क है ना, इसमें कंपनी में अलग गैस भरी है, इसमें अलग है, मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस अलग है। एक मिनट एक मिनट, आपको घर में वीडियो में ले लूं। एक छाते के साथ एक बिना छाते के साथ। जा रहे क्योंकि हमारी जो ट्रेवल टेम्पो क्या है ये वो चली गई है बहुत नीचे। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, कुछ खाना पीना भी हमें बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है यहाँ पे और हम भेज देना ठीक है, सेंड कर दूंगा। चंबा बढ़िया, चंबा मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहीं यहाँ तो गाड़ी कहाँ खड़ी करो, चट मुटर खा के बेटे वैसे हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चंबा में मिलेगा। और ये सब लोग जा रहे थे सरकुंडा देवी, लेकिन सबकी लेकिन सब वापसी आ गए, बर्फ में से ठंड में से गाड़ियाँ फिसल रही है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी और मस्ती कर लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस फोटोज और हम सबने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया एक दूसरे को, बहुत बर्फबारी ये सब कुछ करा, पर हम सरकुंडा देवी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी कार नहीं जा पाती, आई मीन गाड़ी। और अगर हम पैदल जाते तो वो यहाँ से अभी अप्रॉक्स 10 किलोमीटर था, इस वजह से हम गए नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता और बर्फ़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अगर हम यहाँ थोड़ा और रुकते तो हमारी गाड़ी पे भी पूरा बर्फ़ हो जाती और फिर हम जा नहीं पाते कहीं। सो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं और फिर आगे चलेंगे। Oh, yeah.
इतनी बर्फ में हो चुकी हूँ। वो मेरा डोला नहीं आया डोला। गाइस कहाँ से आ रही बढ़िया? यहाँ से आ रही बढ़िया। जितना आप नेचर के पास होते हो उतना ही आप अपनी सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो। पर क्या करें पापी, पेट का सवाल है, भूख भी लग रही है, तो फटाक से चल के ना कुछ खाना खा लेते हैं, बाकी सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। हमें रास्ते में कोई अच्छा सा ढाबा तो मिला नहीं, पर ये एक रेस्टोरेंट टाइप का बोलूं या क्या बोलूं इसे, प्रॉपर ढाबा भी नहीं था, रेस्टोरेंट भी नहीं था। खैर जो भी है, तो हम यहाँ पर अब अच्छे से खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे रेस्ट वगैरह। ठंड लग रही है, ठंड। अंकल जी भूख लग गई कि नहीं? यहाँ का व्यू भी कितना प्यारा है ना। वैसे ये हिल्स वगैरह ये सारे चीज़ों में इंटरेस्ट उन लोगों को ही ज़्यादा आता है जिनको ये एक्चुअली में पसंद होते हैं, और मैं तो पागल हूँ हिल्स के पीछे, मतलब मेरी फेवरेट है। तुमको कुछ चाहिए? अंगड़ाई ले रहे हो तुम? हेलो बोल दो। हेलो खाना वाना हो गया हमारा, अब हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन जो कि हमारी कुंजापुरी। अब वहीं पर देखते हैं हमें कितना मिलेगा, और मैंने दुकान से लिया ही है। सो अब हम पहुंच चुके हैं कुंजापुरी, और यहाँ पर मुझे आने में ना बहुत ज्यादा डर लगा, बिकॉज यहाँ का जो रास्ता है वो वन वे ही है, सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, चाहे वो आने वाली हो चाहे वो जाने वाली हो। और इतना ज्यादा ऊपर है ना, मतलब इतना मुझे वहाँ पर डर नहीं लगा था जितना मुझे यहाँ पे डर लगा। वो नहीं आएंगे, हम सारे ऐसे चुपचाप बैठ गए थे भगवान समय अच्छे से पहुंचा दो, बहुत ज्यादा रिस्की रास्ता है यहाँ पे। अच्छा मैं आपको अब कुंजापुरी टेम्पल के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये जो 52 शक्तिपीठ है ना उत्तराखंड में, उनमें से एक शक्तिपीठ है ये। यहाँ पर जो देवी सती थी उनका चेस्ट गिरा था, जो जब वो जल गई थी तो उनका ये जो चेस्ट है वो यहाँ पर गिरा था। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्ध शक्तिपीठ है, और यहाँ पर आप व्यू के लिए भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पर लोग गंगोत्री पीक्स को भी देखने आते हैं। अभी ना बहुत ऊपर जाना और हम यहीं पर थक गए, चल लेते हैं। और यार वो देखो वो भागते हुए चली गई। मत करो ऐसे, इतनी ठंड लग रही है यार, उतारो। सो धनौल्टी वाला पहाड़ तो हम पूरा उतर आए थे, देन दोबारा से हम दूसरे पहाड़ पे चढ़े, तब हम यहाँ टेंपल पे पहुंचे हैं, कुंजापुरी टेंपल। और यहाँ पहुंचने पे आपको कम से कम 307 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तभी आप यहाँ तक पहुंच पाओगे, और ये ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है। और इसका एल्टीट्यूड है 1676 मीटर अब फ्रॉम द सी लेवल। और यहाँ का व्यू OMG, मतलब जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो आप कैमरे में कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो, ना ही आप उस चीज़ का मज़ा ले सकते हो। तो अगर आपको इसका एक्चुअली में मज़ा लेना है तो आपको यहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारी ये पूरी ट्रिप रही, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब फर्स्ट टाइम एक तो मेरा स्नो था, स्नोफॉल वगैरह मैंने देखा और बहुत इन्जॉय किया। अब बस हम यहाँ से उतरेंगे, और उसके बाद अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी तो मे बी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी आगे, तो अब बस हम घर पहुँचने में जाएंगे, तो देखते हैं। चलो चलो चलो।
कितना ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है ना। और वैसे भी जब हम यहाँ आने वाले थे ना, 3 दिन से इतनी बुरी बुरी खबरें मिल रही थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, ये बस ऐसी हो गई, वो बस ऐसी होगी। बट थैंकफुली हम अच्छे से अपने घर पहुँच गए हैं, क्योंकि कुंजापुरी वाला रास्ता थोड़ा सा रिस्की भी था। बहुत सारा हमने इंजॉय भी कर लिया है, अब मैं बहुत टायर्ड भी हो चुकी हूँ, तो आप यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू देखो। और बस अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं, तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। और आई होप आपने इंजॉय किया होगा, वैसे डेफिनेटली इंजॉय किया होगा, इतना अच्छा अगर मैंने इंजॉय किया तो आपको भी मैंने इंजॉय करवाया है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके। तो एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को ज़रा एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।